गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर डे ऑफ माय ब्लॉग सीरीज एंड आई होप आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा। एंड गाइस आज का ब्लॉग इस तरह से स्टार्ट करते देखते क्या होता है। एंड यहाँ हम लोग का ब्रदर क्या बोलना चाह रहे हैं बहुत दिन के बाद। हेलो गाइस, बहुत दिन के बाद आज मैं ब्लॉग में आ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जा रहा हूँ, अभी दुकान जा रहा हूँ, अभी शॉप जा रहा हूँ, थोड़ा मैगी लेके आएंगे और दादा भाई खाएंगे। आज ये मैगी लंच हम लोग का वही होगा। आज ये मैगी बनाएंगे एंड स्पाइसी मैगी बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। ये आएगा अभी, आके मैं एंटरटेनमेंट करूंगा। ठीक है भाई, बने रहिएगा इस वीडियो में। एंड अभी आ रहा है, दुकान जा रहा है, दुकान से आएगा तो मिलते हैं। ठीक है, आ गया, देख सकते हो अभी ये मैगी लेके आया है। आज ये स्पाइसी मैगी बनाने वाला है। ठीक है, मैगी नहीं तो वाई वाई नहीं। चलो अभी ये आज का मास्टर शेफ है ये, अभी ये बनाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हम लोग का वीडियो में। एंड ये अभी बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी करने वाला है आज, क्योंकि ब्लॉग में इसको लेके आया हूँ। कंटेंट ढूंढे मैं बहुत दूर पहुँच चुका था, लेकिन इसको मिल गया मेरे को। काट के हम रखा है, लेकिन टमाटर का बहुत दाम है, 60 रुपीज किलो है टमाटर का। ये मेरा कटिंग का स्टाइल है, देखिए। तो मैं किचन में तो नहीं आता हूँ, आज ने भाई ने बोला मैगी बनाओ बोल के, थोड़ा भाई ने खाएगा बोल रहा था, इसीलिए मैगी थोड़ा बनाएंगे। माँ भी काम गया है, इसीलिए हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो आज का कुक हम लोग का किरण ब्रदर। उस दिन तो मांस मीट पकाया था, लेकिन वीडियो नहीं किया इसने। हाँ, ये उस दिन बनाया था, ये संडे नहीं, संडे को बनाया था ये। संडे ना, मंडे को ये मंडे को चिकन बनाया था, उस दिन वीडियो बनाया नहीं, उस दिन वीडियो ऑलरेडी हो गया था ब्लॉग। तो गाइस देखिए रेडी हो रहा है, और गाना सुनिए किसका गाना चल रहा है। ट्रेंड का भाई का गाना चल रहा है, पूरा गाना का फैन हो गया है। फ्यूचर में बॉलीवुड में आएगा ना, गाँव ही सुनेगा सब। मुझे सुनना नहीं पड़ेगा। ये गाइस अच्छी तरह से बना रहा है। जोजीत भाई गाना देख रहे हो, ये ब्रदर पूरा फैन हो गया आपका गाना का। इधर ऋतुराज भाई ने बहुत ही बढ़िया गाना गाया है यार ये वाला। लेकिन और भाई का ये मैगी बन रहा है, मैगी बन टाइप का मैगी खट्टा वाला। सो गाइज अभी ये बना रहा है। ठीक है, एंड बने रहे वीडियो में, क्योंकि आज का ब्लॉग ये रहेगा हम लोग का घर में। ठीक है, ब्रदर क्या कर रहा है एंड मैगी बनाएगा, एंड उसी टाइम में आज ब्लॉगिंग। एक्चुअली घर पे आज कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो सोचा कि आज ब्रदर का रेसिपी भी चख ही जाए। एंड ठीक है, बने रहे। लगा रहा है ये मेरा डिश है। तुके भावे दिन कटी जा, क्यों ऐसा दुखद घड़ी आ रहा है, क्योंकि अभी तो लोग भैया ने शादी नहीं किया है ना, तो उसका वजह से भी ये हाल है अभी तो लोग। एंड गाइस मैं एक चीज बोल देता हूँ, मेरे भैया के लिए अगर कोई दिखे तो अच्छा कमेंट कर दीजिए। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा भैया इतना हैंडसम है, लड़की तो मिल ही जाएगा, कोई नहीं, सब मिल जाएगा भाई। देखो इसका रेडी हो रहा है, 5 मिनट लगेगा पकने के लिए। और मीनिंग पता नहीं मुझे। मेरा रील्स में ये ना ऐसा है ना, ये वीडियो में इसका ऐसा करता है। इसका आला ऐसा है, हीरो का, मेरा आला ऐसा है। कंप्लीट होगा मैगी का, मैगी बन चुका है गाइस, अभी हम लोग खाएंगे इसको अच्छी तरह से खाने वाले। कौन धोएगा? मॉर्निंग का भाड़ा भी है, अभी हम लंच कर रहा है, भाड़ा धोने वाला कोई भी नहीं है। अब 4 बजे धोएंगे, या भाई धोएगा, या पापा धोएगा, या माँ धोएगा, या मैं धोएगा। तुम तो नहीं धोएगा भाई, ये मैगी रेडी हो गया गाइस, तो अभी हम लोग खाने वाले हैं। अभी हम लोग ने मैगी भी खा लिया। एंड एक अच्छी बात क्या है कि आप सबको बता देता हूँ कि
न्यूज इज द कि अब मेरा पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो चुका है एंड बहुत दिन के बाद वो फाइनली हो पाया, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं अटका हुआ था ना, तो फाइनली अभी मुझे यहाँ से जाने का परमिशन भी मिल जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट का चलते मैं अटका था घर में इतना दिन से ना। तो अभी देखते हैं भाई कहाँ जाता है एंड वीडियो में बने रही, अभी तो जर्नी स्टार्ट होगा ठीक है। एंड वेरिफिकेशन हो गया एंड वेरिफिकेशन के बाद 15 या 20 दिन के बाद आएगा बोला मेरे को, ठीक है पता नहीं कब आएगा, पर मुझे अभी वेरिफिकेशन के लिए तो अटका था। मेन तो वेरिफिकेशन रहता है कि आदमी होना चाहिए एंड उसका कारण से भी ठीक है, तो वो हो गया कल रात को हुआ मेरे एंड उसलिए मैं ब्लॉग में बोल नहीं पाया, क्योंकि कल का ब्लॉग मैंने बनाया नहीं था, कल ब्लॉग ऐसे मैं थक गया था सो गया था। तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गया है मेरे, आप सबको बताना था, कल उस दिन का ब्लॉग में बोला था नहीं हुआ था, कल रात को मेरा वेरिफिकेशन हो गया है ठीक है। तो वर्कआउट करना है मेरे को ठीक है, वर्कआउट में फोकस रहूँगा जो भी रहेगा ना, कितना दिन से वर्कआउट नहीं हो रहा है मेरा एंड आप बने रहे वीडियो में ठीक है, अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। अभी वर्कआउट खत्म हो गया है एंड कल से ना रेगुलरली मैं वर्कआउट करने वाला हूँ, क्योंकि आज मुझे इतना दिक्कत पड़ा ना वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि मेरा ना एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है ना वर्कआउट करने के, प्लस डाइट भी नहीं हो रहा है एंड प्लस कुछ शेड्यूल एंड रूटीन नहीं हो रहा है। कल से सुबह ट्रेन करूँगा मैं, बोल दिया है मैंने एकदम फुल, कल से मैं सुबह ट्रेन करूँगा। गाइस अभी डिनर भी हो गया एंड मैं ब्लॉग को एंड करना भूल गया था ठीक है, एंड अभी देर रात हो गया 10 बज गए एंड सोने वाला था गाइस। तो ये ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा होता, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस मिलता हूँ कल ब्लॉग में एंड आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय।